बस दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ईपीएस और नॉन ईपीएस, इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों कितने बार जो हमारा फॉर्म 10C, फॉर्म 19, फॉर्म 31 एडवांस होकर रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू दिस रीजन। सो मैं आपको बताऊंगा, इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सी कंसल्टिंग आती है गाइस। ओके, तो मैं आपको जो है बताऊंगा कि इसका मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। बट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऐसा कुछ रिजेक्ट हुआ तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ओके, सबसे पहला ये सवाल आता है कि ईपीएस और नॉन ईपीएस में क्या डिफरेंस है, ईपीएस और नॉन ईपीएस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने दो कंपनी में काम करे, ओके, पहली कंपनी थी जहाँ पे आपका पेंशन डिडक्ट होता था। ईपीएस मतलब होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, नॉन ईपीएस मतलब नॉन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो क्या हुआ कि पहली कंपनी में पेंशन डिडक्ट होता था, सेकेंड कंपनी में पेंशन डिडक्ट होता है। ओके, फर्स्ट कंपनी में जो थी वो थी ईपीएस, बट सेकंड कंपनी आपकी नॉन ईपीएस है। बट आप फॉर्म 10C या 19 अप्लाई करोगे ना तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएफ ऑफिस को क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। ओके, और आपको ये मेंशन कर देते हैं कि आपकी जो पुरानी कंपनी है, वाइस वर्सा भी हो सकती है कि नॉन ईपीएस भी हो सकता है ईपीएस हो सकती है। सो दे वॉन्ट यू नो क्लैरिफिकेशन, ओके, फ्रॉम योर प्रेजेंट कंपनी। सो अभी क्या होता है कि इसमें कंपनी रिस्पॉन्स करती नहीं है अच्छे तरीके से, मुझे पता है। ओके, तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको समझा दें ईपीएस वर्सेस नॉन ईपीएस के बारे में। जहाँ पहला ईपीएस मतलब जहाँ पेंशन आपका डिडक्ट होता था, नॉन ईपीएस मतलब जहाँ पेंशन आपका डिडक्ट नहीं होता। बट इफ़ यू वांट टू यू नो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू नो द सॉल्यूशन फॉर दैट, यू नो यू हैव टू टेक अ कंसल्टिंग एंड दैट इज पेड सर्विस। सो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।